हर महादेव, स्वागत है आपका बाबा की नगरी ब्रह्मपुर धाम में। यहाँ आने के लिए आपको नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो बिहार के बक्सर ज़िला के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों यहाँ आने के लिए बाई रोड अगर आप आएंगे तो नेशनल हाईवे 84 पड़ता है, जो कि आप ऑन रोड है। ब्रह्मपुर धाम ये मंदिर के सामने का आपको तालाब है जिसे कुंड बोला जाता है, और यहाँ पे हम प्रसाद और फूल वगैरह खरीद लेंगे मंदिर में चढ़ाने के लिए, जो कि आपको उचित दाम में मिल जाएगा। ब्रह्मपुर शहर मुख्य रूप से भगवान शिव के मंदिर की पौराणिक कथा एवं वहाँ के पशु मेले के लिए ही प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुर का अर्थ ही है ब्रह्मा की जगह। आसपास के लोगों का मानना है कि भगवान शंकर स्वयं धरती से बाहर आए थे, इसलिए उनका नाम ब्रह्मेश्वर नाथ है, जिसका जानकारी अनेकों पुराणों में भी मिलता है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में यह शिवलिंग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है, इसलिए इस मंदिर को मनोकामना महादेव की मंदिर भी कहा जाता है। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मपुर की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने किया था, इसलिए इस शहर का नाम भी ब्रह्मपुर पड़ा। यहाँ पर लोग सोमवारी को, प्रदोष को, महाशिवरात्रि को और श्रावण मास में बक्सर के रामरेखा घाट से गंगाजल ले आकर जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी जब यह मंदिर तोड़ने एवं धन लूटने आया तो ब्रह्मपुर के लोगों ने चेतावनी दी कि वो मंदिर तोड़ेगा तो बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की तीसरी आँख खुल जाएगी और उसका विनाश हो जाएगा। परंतु मोहम्मद गजनवी ने कहा कि ऐसा कोई देवता नहीं है, अगर हैं तो मंदिर का प्रवेश द्वार जो कि पूर्व दिशा में है वो रात भर में पश्चिम में हो जाए तो मैं इस मंदिर को छोड़ दूंगा और वापस कभी नहीं आऊँगा। अगले दिन जब प्रातःकाल सुबह उठकर पूरे सेना के साथ मंदिर को विनाश करने के लिए मोहम्मद गजनी आया तो देखकर दंग रह गया, क्योंकि मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ हो गया था। ये देखकर वह मंदिर का विनाश ना करके, धन लूटना छोड़ करके, वह हमेशा के लिए मंदिर को छोड़कर चला गया। इस मंदिर में मुख्य रूप से यूपी, बिहार और झारखंड के लोग काफ़ी मात्रा में दर्शन करने आते हैं, जिसमें कि बलिया, छपरा और आरा, भोजपुर के लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ब्रह्मपुर के लोग पशु मेला का आयोजन करते हैं, जिसमें कि बिहार, यूपी और झारखंड के लोग हाथी, घोड़ा, ऊंट बेचने और खरीदने आते हैं। पशु मेला का आयोजन मुख्य रूप से फागुनी मास में लगता है। यहाँ के लोगों का मुख्य रूप से आय का स्रोत जो है वो है खेती, मेला और थोड़ा बहुत पर्यटन स्थल की वजह से। यहाँ पे मुख्य रूप से लोग भोजपुरी की अधिकता है लैंग्वेज, भाषा की, और हिंदी यहाँ का प्रशासनिक भाषा है। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आए थे तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का भी प्रस्ताव रख के गए हैं। उन्होंने बोला कि केंद्र से बात करके बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन नाम किया जाएगा। आजकल इस मंदिर में लोग शादी, विवाह, मुंडन, हर तरह के कार्य करते हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी लोग सच्चे मन से जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यानी लोगों का मानना है कि भगवान का सदैव कृपा बरसता रहता है। हम शिवांश के साथ यहाँ मंदिर में दर्शन कर लिए। यह मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दरवाज़ा पश्चिम की तरफ है। यह मंदिर की ऊंचाई 190 फीट है और ये सामने यही दरवाज़ा है जो बंद हो गया था और
पश्चिम की तरफ नया दरवाज़ा खुल गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए थे तो इस मंदिर का जो भी ज़मीन है 5 एकड़ उसे बाउंड्री मार करके और मंदिर के प्रांगण को जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आपको इस मंदिर का इतिहास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत सारे जगह पे हम गए हुए हैं जिसका वीडियोस आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और फर्दर वीडियोस देखते रहें।